हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कोई एक ऐसी जानकारी जिससे आप अपनी गाड़ी की रक्षा कर सकते हैं, उससे आग लगने से बचा सकते हैं बारिश के सीजन में। ज़्यादातर देखा जाता है कि गाड़ी गर्मियों में या फिर बारिश के सीजन में जलने का केस सामने आता है। इसका कारण होता है ये फ्यूज़ बॉक्स बोलते हैं इसको। इसमें गाड़ी के तमाम सारे फ्यूज़ मौजूद होते हैं जिससे आपकी गाड़ी के कई सारे फंक्शंस काम करते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी का वाइपर हो गया, हेडलाइट हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड होता है सब ये फ्यूज़ बॉक्स से काम होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कार वॉश कराते वक्त इसका ध्यान रखें कि जो फ्यूज़ बॉक्स होता है इसमें पानी ना जाए। वॉशिंग वाले को बोलिए कि इधर इधर धोइए, वॉशिंग पे इस पर पानी ना पड़े, और पड़ भी जाए तो इस पर हवा मरवा दीजिए, जिससे इसमें पानी ना जाएगा तो ना शॉर्ट सर्किट का डर होगा ना कोई दूसरा खतरा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं हो रही है या कोई दूसरा दिक्कत आ रहा है तो ये देखिए फ्यूज़ बॉक्स का ये डिब्बा। इस पे हर एक सर्किट, जैसे कि ये हॉर्न दिख रहा होगा आपको, फिर स्टार्टर रिले क्या करता है, आपकी गाड़ी मान लीजिए कभी स्टार्ट नहीं हो रही है तो ये स्टार्टर रिले के अंडर में जो यहाँ पे स्टार्टर रिले का फ्यूज़ होगा वो निकाल के आप अपने से खुद से भी चेक कर सकते हैं कि ये काम नहीं, अगर ख़राब है दुकान पर ले जाइए, बदल के दूसरा ला के स्टार्टर रिले लगा दीजिए, आपकी गाड़ी स्टार्ट। ऐसे इसमें सब चीज़ का, हेडलाइट, फॉग लाइट, फ्यूल पंप, सब चीज़ का दिया हुआ है, बस आपको ये खुद से करना है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए ये तो हो गई सर्किट बॉक्स की बात, अब मैं आपको बताता हूँ ECM की बारे में। ECM का मतलब होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसको हम लोग गाड़ी का एक तरह से ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये ECM हो गया, देख रहे हैं, ये एक सिस्टम होता है हर गाड़ी में, लगभग मिल जाता है सब गाड़ी में आता है, इसको गाड़ी का ब्रेन कहते हैं क्योंकि इसी से गाड़ी का सारा फंक्शन कंट्रोल किया जाता है। देखिए जो ECM होता है ये आपकी गाड़ी में कितना करंट किस पार्ट में जाना चाहिए ये सब ये ECM के अंडर में होता है, ये ECM कंट्रोल करता है। और अगर ये इसको आपको बारिश से बचाना होता है और पानी से, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसके लिए आपको 20 से 25,000 तक का नुकसान भरना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये आपको बता दिया मैंने ECM के बारे में। अब एक आखिरी में एक टिप, कभी भी आप मार्केट से बाहर से कोई भी अनऑथराइज डीलर से कोई भी एसेसरीज पार्ट लगवाएं, जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग हो गई या म्यूजिक सिस्टम हो गई, तो उसमें क्या बात ध्यान रखें कि वो अंदर से कटिंग करता है तो उसमें अच्छे से वायरिंग में टेप लगा दे, अच्छे से उसको जैसे कंपनी फिटेड था वैसे सेट कर दे, ना तो उसे अगर कोई भी वायरिंग खुली रह गई तो उसमें आग लगने का सबसे बड़ा चांस होता है। ये वीडियो मैंने आपको शेवलेट की बीट पे दिखाई है, देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।